अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बना रही हूँ तंदूरी होल चिकन यानी लाहौरी चरगा। सो उसके लिए क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास ये दो होल चिकन है जिसकी जो स्किनलेस चिकन है, इसको मैंने अच्छे तरीके से प्रॉपरली वॉश कर दिया और इसको मैंने अदरक लहसुन प्रॉपरली लगा कर इसको मैंने तकरीबन एक दिन के लिए रख दिया ताकि इसकी जो भी स्मेल हो और अदरक लहसुन अंदर तक चला जाए। सो इसके साथ तंदूरी मसाला लिया, लाहौरी चरगे का लिया और चिकन टिक्के का लिया। ये तीन मसाले इसमें जाएंगे और इसमें जाएगा सोया सॉस, ये एडिशनल है या आप डालें ना डालें, बट अगर डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस करता है। सो ये ज़रूर, और ये तीन मसाले इसके बेसिक मसाले हैं। उसके बाद इसमें डलेगा योगर्ट, क्योंकि योगर्ट जो है वो चिकन को टेंडर करता है और सॉफ्ट करता है, तो इसमें योगर्ट डलेगा। उसके बाद इसमें कलर डलेगा, रेड कलर जो बिरयानी का कलर होता है वो डलेगा। एंड इसके बाद इसमें आप रेड चिली पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से, और मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर भी यूज़ करूँगी क्योंकि पेस्ट मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो लेकिन पाउडर भी मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर रही हूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी जिंजर गार्लिक पेस्ट में, वो तकरीबन दो दिन पहले रखी हुई थी, तो अच्छी तरीके से इसका जो ब्लड है जो भी पानी है वो सब निकल गया। सो आप इसमें आप जब चिकन लें तो इसके बुचर से आप इसमें कट लगा लें, लगवा लें, या फिर घर पे खुद लगा लें बहुत ईजी है, आप आराम से घर में भी लगा सकते हैं, वरना आप अपने बुचर से कह दें वो आपका ईजीली लगा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो ये बहुत हैवी चिकन है सर, बड़ा चिकन है, तो मैं इसके लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून दूंगी योगर्ट के, क्योंकि ये ज़रा अच्छे तरीके से फिर ये मैरिनेटेड हो जाएगा, तो 4 टेबल स्पून मेरे ख्याल से इसके लिए इनफ रहेगा। सो सबसे पहले इसमें डालते हैं लाहौरी चरगे का मसाला जो कि पूरा तलेगा, क्योंकि चिकन दो चिकन है तो पूरा लाहौरी चरगे का मसाला तलेगा, तो पूरा डाल देते हैं। सो इसके बाद मैं डाल रही हूँ चिकन टिक्के का मसाला, ये भी एडिशनल है लेकिन ये टेस्ट लिटरली बहुत अच्छा देता है। ये ज़्यादा नहीं डलेगा, ये थोड़ा सा डलेगा, मतलब 2 टेबल स्पून के करीब ये डाल दें आप। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें तंदूरी मसाला जो कि जो इसमें डलेगा वो भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के तंदूरी मसाला डाल दें। सो अब इसमें 2 ही टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डलेगा। तो इसमें 1 टी स्पून के करीब कलर डलेगा जो कि अपना ऑयल बिरयानी कलर होता है वो डाल दें, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, नहीं पाउडर, ठीक है, पाउडर पेस्ट तो हम लगा चुके हैं, पाउडर हमें डालना है 1 टीस्पून। और इसमें डाल दें आधा लेमन स्क्विस्ट करके, पूरा का पूरा आधा लेमन डाल दें, बेशक इसको सीज भी जाने तो चीज भी जाने दें। इसमें डाल दें चिकन क्यूब जो बनाओ या मैगी से आती है उसको अच्छी तरीके से मैश वो डाल दें, आप इसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करें प्रॉपरली कि इसमें लम्स ना बने। अगर लम्स बनेंगे तो फिर चिकन के अंदर तक वो नहीं जाएगा मसाला, तो लम्स ना बने, और बाकी बहुत अच्छी तरीके से इसे मैश मैश बिल्कुल मिक्सअप करते हैं। सो मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा चिली पाउडर डाला है, आप डालना चाहें तो डाल दें, मैंने कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा चिली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी। सो अब करना है हमें चिकन को अच्छी तरीके से मसाज, प्रॉपरली मसाज करना है इसको, जैसे पूरे अंदर तक इसकी अंदर तक हमें इसको मसाला लगाना है, तो पूरा अंदर तक। सो प्रॉपरली आप इसको दिल खोल के अंदर तक मसाज करें। सो मैंने मसाज इसका अच्छी तरीके से मैरिनेट वाले मसाले को लगा दिया चिकन पर, और मैं अब रख रही हूँ इसको जिप लॉक में, क्योंकि ये बहुत बड़ा बॉल है, ये फिर मेरा फ्रिज में बहुत जगह ले लेगा, तो मैंने इसको जिप लॉक में कर दिया कि मैं इसको कल निकालूँगी। सो अब आप बड़ा सॉस पैन ले लें और उस पर कर दें
ऑयल का थोड़ा सा स्प्रे कर दें, बिल्कुल ज़्यादा स्प्रे नहीं करना, बस थोड़ा सा करना कि लगे ना। और उस पर रख दें हमारी चिकन, चिकन में ढक्कन नहीं ढकना और सिर्फ इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे पकाना है। और अगर थोड़ा सा लगे कहीं से तो आप इसको थोड़ा सा और ऑयल डाल दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ढक्कन नहीं ढकेगा, लीड नहीं लगाइएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, पेस्ट में पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर देगा ये, तो ये फिर सारा का सारा मसाला और फ्लेवर सब निकल जाएगा। सो फिर ड्राई हो जाएगी चिकन। सो इसको ड्राई नहीं करना हमने, इसको बहुत टेंडर और जूसी रखना है, तो इसके लिए ढक्कन नहीं रखना, लीड नहीं लगानी, ठीक है। सो मैं जो आप इसको मीडियम पे लेके जाऊंगी, मैं ये थोड़ा जब इसमें हीटअप हो जाएगा ये, तो फिर मैं इसको मीडियम पे लेके जाऊंगी ताकि फिर ये अंदर तक कुक हो जाए। सो ये मेरा लाहौरी चरगा रेडी हो चुका है। इस पे मैंने दिया है चारकोल का स्मोक, यानी कोयले का धुआं, और अगर आप चाहें तो कोयले का दे दें, वरना तो अगर आप चूल्हे का देना चाहें तो वो भी मैं किसी दूसरी रेसिपी पे आपको दिखाऊंगी कि कैसे देना है। सो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।